मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं और आज हमारा एक नया टूर लगा है। काफ़ी शॉर्ट टूर है, हमें आज के आज ही इसको ख़त्म करना है, शाम तक वापस लौटना है, तो इसलिए हम सुबह जल्दी निकल रहे हैं। आज हम जाएंगे डिज़ायर से। अभी तक जो हम गए थे केदारनाथ वाला, आपने व्लॉग देखा होगा, तो उसमें हम गए थे स्कूटी से, वो काफ़ी मज़ा आने वाला है। हमारे साथ जुड़ेंगे कर्णप्रयाग से हमारे जिया जी, जो कि आदिबद्री से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में पहुंचने वाला है, तो हमें भी कर्णप्रयाग पहुंचना है, तो चलते हैं कर्णप्रयाग की तरफ। और यहाँ पे जिया जी आ चुके हैं। दोस्तों वो जो रोड है वो केदारनाथ वाली रोड है, ये वाली हम मुख्यमंत्री वाली पे आए हैं। ये जो दो रास्ते निकलते हैं, ये कुंड से हमें दो रोड अलग अलग मिलती है। और अभी हम मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, वो सामने गुप्त काशी। अभी हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद सारी गांव के लिए निकलेंगे। दोस्तों अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, जाएंगे सारी गांव जो यहां से 14 किलोमीटर है। ये हमारे साथ ही सुबह से भूखे थे और जब पेट में खाना गया तो काफ़ी खुश लग रहे हैं, एनर्जी आ गई है सबके चेहरों पे। 3 किलोमीटर के अराउंड ट्रैक करना है, लेट्स सी। तो चलते हैं और आशा करते हैं अच्छा भी होगा। ओके, सारे गांव पहुंच गए और यहां से हमारा जो 3 किलोमीटर का ट्रैक है यहां से स्टार्ट होगा। और अभी 10 बज रहे हैं तो हम लगभग 11:30-12 बजे तक ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये गेट दिख रहा है, ये रास्ता है, यहां से हम ऊपर जाने, तो अभी चलते हैं। नमस्ते बोल, गिज बंद करो, नमस्ते बोल, नमस्ते, नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय
ये है हमारा सारी गांव। दोस्तों ये है हमारा प्रवेश द्वार, दूरी लिखी है 2.3 किलोमीटर। तो कितने टाइम में अप्रोक्स कवर करने वाले आप? लगभग हो जाएगा कि एक घंटे में 2 किलोमीटर का हमारा मार्जिन है, लगभग 1.5 घंटे में हम कंप्लीट पहुंच जाएंगे। तो गाइस 0.3 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 किलोमीटर यहाँ पे बचे हैं। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं AS ऑफिशियल चैनल के मालिक, और इनसे हम पूछेंगे कि देवरिया ताल की क्या इम्पोर्टेंस है हिस्टोरिकली। देखिए ऐसा है, देवरिया ताल के बारे में बहुत सारी मान्यताएं, जो हमारे भगवान होते थे वो सब इसी ताल में स्नान करने आया करते थे, पहली मान्यता तो ये। अच्छा, तभी देवरिया ताल, देवरिया ताल देवों का। ये सबसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बने रहिए। काफ़ी मज़ा आने वाला है, आगे आप पीछे देख ही रहे होंगे कितना सुंदर व्यूज़ आपको देखे मिल रहे हैं। दोस्तों 1 किलोमीटर हो चुका है, 1.5 किलोमीटर और बचा है, काफ़ी अच्छा ट्रैक है। रुद्रनाथ की तरह रास्ता नहीं है यहाँ पे, आपने रुद्रनाथ की वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे, वहाँ का रास्ता चलने लायक नहीं था, पर यहाँ पे ठीक है रास्ता, यहाँ पे आराम से चल सकते हैं। और अगर आपने रुद्रनाथ की वीडियो नहीं देखी है तो ये आई बटन ऊपर दिख रहा है आपको, वहाँ पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी देखिए, काफ़ी मज़ा आया था। तुंगनाथ चोटी पे, ये वाली जो चोटी है और उसी के ऊपर वाला जो टॉप है चंद्रशिला, वो है चंद्रशिला, वहाँ का भी एक दिन टूर बनेगा। हम पहले भी जा रखे हैं लेकिन इसका व्लॉग शूट नहीं हुआ था, व्लॉग भी करेंगे इसका। और यहाँ पे थोड़ा विश्राम, पानी वगैरह, हाइड्रेशन एंड उसके बाद बाकी का बचा हुआ ट्रैक कम्प्लीट। एंड ऊपर के व्यूज़ आपको काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं, अगर आप अभी तक बने हुए हैं आगे भी बने रहे हैं, अब इतना आप वेट कर लिया है आपने हमारे साथ, तो अगर लास्ट का व्यू नहीं देखोगे मज़ा ही क्या रह जाएगा। और अब लगभग यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे बचा है हमारा देवरिया ताल। हाँ तो आप बता दीजिए, माइथोलॉजी क्या है? महाभारत के अनुसार पांडवों और यक्ष के बीच जो संवाद हुए थे पानी को लेकर, ऐसा माना जाता है कि वो इसी स्थान पर हुए थे। पांडवों में उन्हें प्यास लगने लगी तो वो पानी के लिए इधर उधर ढूंढने लगे, सबसे छोटा भाई नकुल जी पानी की ढूंढ में इधर उधर जाता है तो उसे ये झील दिखाई देती है, झील से जैसे पानी पीने का प्रयास करता है सारस पक्षी रूपी एक व्यक्ति प्रकट होता है और वो उससे कुछ प्रश्न पूछता है, बोलता है कि यदि तुमने इस प्रश्न के उत्तर नहीं दिए तुम ये पानी नहीं पी सकते। तो नकुल तो बहुत जल्दी में था, उसे प्यास लगी थी, उसके भाइयों को भी लगी थी, उसने बोला मैं उत्तर नहीं दूंगा, तुरंत पानी पी लेता है और इसी के साथ वहीं पर मूर्छित हो जाता है। उसे ढूंढते हुए फिर सहदेव वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ भी यही घटना होती है, वो भी बिना उत्तर दिए बिना प्रश्न सुने पानी पीने लगते हैं तो वो भी मूर्छित होकर गिर पड़ते। इसी प्रकार सभी भाई के करके उस झील के किनारे आते हैं, सबसे बड़े भाई वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमारे धर्मगुरु युधिष्ठिर साहब वहाँ पे पहुँचते हैं, अपने भाइयों को मूर्छित देखकर काफ़ी व्याकुल उठते हैं। तो सारस पक्षी जब उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं ठीक है आप बताइए प्रश्न, हम उनके उत्तर देंगे। तो काफ़ी बड़ा एक वार्तालाप होता है और वो खुश होते हैं उनके उत्तर सुनकर, और वो प्रश्न भी काफ़ी गहरे और
क्या बोलेंगे उन्हें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके बाद वो उन्हें पानी पीने की अनुमति दे देते हैं। माना जाता है कि यही वो झील है, यही वो ताल है जहाँ पर ये संवाद पांडवों और सारस पक्षीनुमा मनुष्य के बीच हुआ था। ये भी एक कहा जाता है, भीम वैसे ही बाहुबली थे, तो जब उनके भाइयों को प्यास लगी अपने बाहुबल का प्रयोग करके यहाँ पर इस झील का निर्माण किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं वो रही सामने झील, ये है झील। इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब आप ये दृश्य देखते हैं तो सारी जो थकावट, और मुझे लगता है कि आपने जो ये नॉलेज प्राप्त किया है, ये जो लॉकडाउन में रामायण और महाभारत जो दूरदर्शन पे चली थी, दूरदर्शन पे, वहीं से आपकी जो ये, इसका मेरे व्यक्तित्व पर भी खासा प्रभाव, काफी प्रभाव लग रहा है, क्योंकि आपकी जो हिंदी है वो सारी उसी का परिणाम, रामायण और महाभारत का परिणाम लग रहा है। और दोस्तों फाइनली ये है हमारा वासु, नहीं देवरिया ताल, वासु की ताल ऊपर देखिए, यहाँ पे हमारा पर्ची का ये वाला तो मेरे सब क्लास फॉरिनर्स 600, ये है हमारा चुनरी योड़ी ब्योली ही माले बनी होली भिज होली घर की डूबे चिला उस डूबे माँ पड़ी हो तो अब हम पूछेंगे यहाँ पे जिया जी से कि इन पर्वतों के क्या क्या नाम हैं। सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में स्वागत जाता है कि जो सामने हमारे पर्वत श्रृंखला दिख रही है ये चौखंबा के नाम से जानी जाती है। चारों तरफ से चार खंबे हैं और जिसके बीच में शिव जी का और पार्वती का निवास स्थान है। त्रिशूली पर्वत दिख रहा है जिसके नीचे केदारनाथ स्थित है। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि यहाँ पे कूड़ा वगैरह प्लास्टिक वगैरह किसी ने फेंका हो बोतले, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ के। A few inches later, तो कूड़ा करकट ऐसे प्लास्टिक ये ना फेंके, इसको गंदा मत कीजिए। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप देख रहे हैं चैनल को, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ऐसे प्लास्टिक वगैरह तो जैसे लाते हैं वैसे ही अपने बैग में रख के वापस भी ले जा सकते हैं। फाइनली गाइस यहाँ का ट्रिप ख़त्म होता है। हमें काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर, काफ़ी देर तक लेटे भी रहे। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स लगे हैं, तो कृपया करके अगर आप आते हैं यहाँ घूमने तो प्लीज़ उसके आसपास का कूड़ा ना फेंके। थोड़ा सी ही दूरी पर ये जो ताल है पीछे उसके थोड़ा सी ही बगल पर यहाँ पे डस्टबिन रखे हैं, तो जितना भी आपका जो प्लास्टिक वगैरह का कूड़ा रहता है वो प्लीज़ इसमें डालें। हमें इन चीज़ों को उत्तराखंड में अगर आप आते हैं घूमने मजे लीजिए, पर प्लीज़ उनको गंदा मत कीजिए, यही कहना चाहूँगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो, अगर हमारे जो है ये व्यूज़ अच्छे लगे हों तो एक लाइक तो बनता है, और लाइक के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर नए हैं। और हमारी ऐसे ही जो ब्लॉग्स हैं, अभी हम पिछले ही हफ्ते हमने केदारनाथ का ब्लॉग शूट किया है, तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। रुद्रनाथ केदारनाथ ब्लॉग्स हमारे चैनल पे भी आए हैं। सो अपना प्यार दीजिए इस चैनल को, और इस टाइम में पैंडमिक के टाइम पे सेफ रहिए, हेल्थी रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।